हाय गाइस, वेलकम टू अंकिता ब्लॉग्स। मैं हूं अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। आज की हमारी रेसिपी है जाम की आइसक्रीम, यानी कि पेरू आइसक्रीम। बहुत लोग इसे पेरू कहते हैं, बहुत लोग जाम कहते हैं, इंग्लिश में इसे गुआवा कहा जाता है। सो आज हम जाम की आइसक्रीम बनाने वाले हैं। आई होप कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। वैसे ठंड का मौसम है तो ठंड में बहुत लोग आइसक्रीम पसंद नहीं करते, लेकिन जाम जो है, पेरू जो है, वो ठंड का ही फ्रूट है। तो आई थिंक कि अगर उसकी आइसक्रीम आपको बना के खानी है तो वो आपको इसी मौसम में खानी होगी, और थोड़ी सी आइसक्रीम जो है ना, वो ठंड का मज़ा और दुगुना कर देती है। सो गाइस, हम बिना देर गवाए आज की ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सारे इंग्रेडिएंट हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं। इस रेसिपी की सबसे अच्छी स्पेशलिटी ये है कि इस रेसिपी में हम सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं, जो कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए। आप चाहें तो साथ साथ भी मेरी रेसिपी बना सकते हैं। तो बिना देर गवाए हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अंकिता व्लॉग्स के सारे व्लॉग्स को सबसे पहले देखने के लिए क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पर, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को याद से क्लिक कीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए। सबसे पहले हम बोल में जाम डाल लेंगे। मैंने 250 ग्राम जाम के टुकड़े कर लिए हैं और उसे इसमें डाल दिया है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। आप कोई भी कंपनी का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी तीसरा इंग्रेडिएंट, और वो है फ्रेश क्रीम। यहाँ मैंने अमूल का फ्रेश क्रीम यूज़ किया है, ये 2 टेबलस्पून लिया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई और अगर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। इसे थोड़ा सा शांति से धीरे से निकालिएगा, क्योंकि ये फ्रेश क्रीम होता है ये एकदम चम्मच में आधा अटक जाता है। तो कोशिश कीजिएगा एकदम बराबर 2 टेबलस्पून आप लें। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी कंडेंस मिल्क। यहाँ मैंने कंडेंस मिल्क जो है वो 1/2 कप कंडेंस मिल्क लिया है, और मैंने अमूल का यूज़ किया। आप कोई भी कंपनी का कंडेंस मिल्क यूज़ कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, 4 इंग्रेडिएंट हमारे हैं वो हो चुके हैं, और ये 4 इंग्रेडिएंट को मिलाकर ही हम हमारी कुल्फ़ी बनाने वाले हैं। सो गाइस, ये 4 इंग्रेडिएंट हैं, इन्हें मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं इसे मिक्सचर में ग्राइंड कर लूँगी। बिल्कुल मतलब पेस्ट बनाना है हमें इसका। सो मैं जल्दी से इसको ग्राइंड कर लेती हूँ मिक्सर में। ग्राइंड करने के बाद ये कुछ इस तरह से इसका पूरा जो पेस्ट है, जो इसका मिक्सचर है, वो तैयार हो जाएगा। और अब मैं इसे वापस जिस बोल में मैंने ये सब कुछ चीज़ें मिलाई थी उसमें वापस इसे मिला लूँगी। ये सारा मैंने मिक्सचर इसके अंदर डाल दिया है, और गाइस ये देखिए, आप पूरा अच्छी तरह से पूरा मिक्स हो गया है आपस में। इसे तब तक पीसना है जब तक कि इसमें किसी भी तरह के जाम के, यानी कि पेरू के टुकड़े ना दिखे, तब तक इसे अच्छी तरह से आपको पीसना है। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमने तैयार कर लिया है, हमारा जो मिक्सचर है, हमारा जो बैटर है आइसक्रीम का, जो हमने तैयार कर लिया है, अब हम इसे कप्स में रखेंगे। ये मैंने पेपर ग्लास पेपर कप यूज़ किए हैं। इसके अंदर मैं जो कुल्फ़ी का पूरा मिक्सचर है वो डाल दूँगी। इससे ये होगा कि जब हमारी कुल्फ़ी है ना, वो बिल्कुल रेडी निकलेगी, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन याद आपको ये रखना है कि आपको कागज़ का ग्लास ही यूज़ करना है, कागज़ का कप जो हमारा डिस्पोजल वाला आता है वो यूज़ करना, ना कि प्लास्टिक का यूज़ करना है। सो गाइस, अब मैं इसे भर दूंगी। आप चाहें तो बिल्कुल ऊपर तक भर सकते हैं, आप चाहें तो आधा आधा भी भर सकते हैं। मैंने मीडियम दोनों को भर दिए, जितना मिक्सचर था। इसमें 2 कप आपका बन जाएगा, करीब 2 लोग आप आसानी से आइसक्रीम का मज़ा ले सकते हैं इतने मिक्सचर में। अगर आपको ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है तो आप ये सारे इंग्रेडिएंट डबल कर दीजिए। और अब जो है, मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी करीब 5 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह से कुल्फ़ी जम जाए। और 5 घंटे के बाद गाइस देखिए, ये कुल्फ़ी अच्छी तरह से जम चुकी है। पूरा 5 घंटे मैंने इसे फ्रिज में रखा था। देखिए, कागज़ अपने आप नहीं निकल रहा है। तो आप चाकू या कैंची, जो भी आप जिसकी भी हेल्प से कुल्फ़ी को निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चाकू से कट कर लिया है, और मैं धीरे से इसके साइड से पूरा कागज़ निकाल दूँगी। बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा बस सब्र रखना है और धीरे धीरे करना है। जल्दबाजी करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना कागज़ इसी पे चिपक भी सकता है और जो कुल्फ़ी है वो टूट भी सकती है। और ये देखिए, बिल्कुल बाजार जैसी कुल्फ़ी एकदम रेडी है। आप चाहें तो इसमें स्टिक लगा के भी इसे काट कर और खा सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर इसके कट अलग अलग किए हैं और उसके बाद हम लोग ने इसको खाया है। तो आप आपके हिसाब से देख लीजिए, आपको जैसा मन हो कर सकते हैं। ये दूसरी वाली जो कुल्फ़ी है, ये भी मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। सो गाइस, ये दोनों कुल्फियाँ एकदम रेडी हैं।
और अब मैं आपको एक एक करके इन्हें काट के दिखाती हूँ। एक्चुअली एक मैंने काट ली थी, और क्योंकि उस वक्त हम लोगों ने एक ही खाई थी तो दूसरी वाली मैंने बाद में काटी है। सो ये अभी आप इसको देख लीजिए किस तरह से मैंने इसे काटी। आप इस तरह भी खा सकते हैं और आप स्टिक लगा के भी खा सकते हैं। सो गाइज एकदम बिल्कुल बहुत ही यमी है और बहुत ही अच्छी बनी है, और लाइट के कारण थोड़ा कलर डिफरेंस आ रहा है लेकिन एकदम यमी है ये। सो इट्स रेडी।